किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता भैया जैसे रिश्तों की फिक्र होती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल शतरंग ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 16 फरवरी दिन मंगलवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे लेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, बजरंगवली महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय बजरंगवली महाराज जरूर लिखना, बजरंगवली महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये दो सुख है उसके लिए स्वर्ग यही है। दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति के पास इन दो चीजों का सुख प्राप्त है उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। आइए जानते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। दोस्तों चाणक्य के अनुसार सुख और दुख सभी इस धरती पर हैं, इसी प्रकार से स्वर्ग और नरक भी पृथ्वी पर ही हैं। चाणक्य ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। चाणक्य का संबंध विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला से था जिसकी ख्याति उस दौर में संपूर्ण विश्व में थी। चाणक्य ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और बाद में वे इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी बने। चाणक्य की विशेष बात यह है कि वे योग्य शिक्षक होने के साथ साथ कूटनीति शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे। चाणक्य को कोटिल नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति मनुष्य को एक जिम्मेदार और श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। यही कारण है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी चाणक्य नीति की लोकप्रियता कायम है। चाणक्य नीति की सच्चाई जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। चाणक्य की सच्चाई व्यक्ति को जीवन में किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन चीजों को त्याग करना चाहिए वो हमें सिखाती है। दोस्तों ऐसा पुत्र और जीवन साथी जिनके पास है वे कभी दुखी नहीं रहते हैं। चाणक्य के अनुसार स्वर्ग की कामना व्यर्थ है। चाणक्य की माने तो पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी वेदों के अनुसार जीवन जीने वाली और अपने वैभव से जो संतुष्ट है उसके लिए स्वर्ग यही है। चाणक्य की इस बात का मर्म यह है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वहीं पत्नी अगर वेदों को पढ़ती है और वेदों की शिक्षाओं पर अमल करती है वहाँ सुख शांति समृद्धि स्थायी होती है। चाणक्य कहते हैं कि इसी प्रकार जब अपने कार्यों और उपलब्धियों से संतुष्ट होता है उसका जीवन दुख और कष्टों से पूरी तरह से मुक्त होता है। जिसके पास ये सुख है उसके लिए धरती पर ये स्वर्ग है, अन्य स्वर्ग की कामना उसके लिए व्यर्थ है। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। आज की तिथि है पंचमी तिथि। आज का नक्षत्र रेवती नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। ऋतु चल रहा है शिशिर ऋतु। आज सूर्योदय होगा 6:59 पर। सूर्यास्त होगा 6:11 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 12:13 से 12:57 तक रहेगा और आज का अशुभ समय है 9:13 से 9:58 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लकी नंबर है 5। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले, रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने की और दवा दारू करने की जरूरत है, साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। आपकी अतिरिक्त काम करने की क्षमता उन लोगों को चौंका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकारी भी होगा। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर रहेगा। आपका अपने कामों के प्रति समर्पित भाव आपको सफलता दिलाएगा। आप हर मुश्किल मुकाम को परिश्रम द्वारा हासिल करने में सक्षम रहेंगे। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से उन्हें खुशी और संतोष की प्राप्ति होगी। अपने अधिकतर काम दिन के पहले पक्ष में ही निपटाने की कोशिश करें क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित होगा। व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े। साझेदारी संबंधी बिजनेस में किसी बात को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए व्यवहार में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। पारिवारिक बिजनेस में आप अपनी उचित कार्य प्रणाली की वजह से दूसरों के समक्ष सराहना का पात्र बनेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होने से पुरानी यादें बातें ताजा होंगी। मौसमी प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें तथा मौसम के अनुकूल चीजों का सेवन करें। आप अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने में सफल होंगे। आप अपने व्यक्तिगत
जीवन में खुश और संतुष्ट रहेंगे। बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता बनेगा। आप अच्छे मित्रों की संगत का आनंद उठा पाएंगे। आज व्यापारियों और पेशेवर लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। मुनाफे और ग्राहकों में वृद्धि होगी। नौकरी व्यक्ति वेतन में वृद्धि तथा पदोन्नति से संबंधित अच्छी खबर उम्मीद रख सकते हैं। यद्यपि पैसे उड़ाने में अधिक लालसा न करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आवश्यकता से अधिक खाने से बचें। और दोस्तों, शांति और सामंजस्य की भावना बनी रहेंगी। अनावश्यक वाद विवाद और तनाव से दूर रहें। आज सफर करने के लिए एक अच्छा दिन है। परिवार के साथ की गई यात्राओं से आपको खुशी और विश्राम मिल सकता है। आज आप बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे। आपकी भौतिकवादी इच्छाओं में से अधिकतर इच्छाएं पूर्ण होंगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कोई ऑफर छिपे ढंग से सामने आ सकता है। अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। आपको हर काम सावधानी से तो करना चाहिए। पूरा दिन सावधानी से निकाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें आएंगी। साथ ही आपको होने वाले फायदे में भी कमी आने के योग बन रहे हैं। नौकरी या बिजनेस का कोई राज उजागर हो सकता है। आप अपने वेशभूषा के सज्जा आदि पर ध्यान दें। कुछ नया पढ़ें, नया सीखें और अपने आप को पहले से ज्यादा सबल बनाने पर ध्यान दें। यात्रा हो सकती है। आज शाम तक आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को सप्ताह के अंतिम दिनों में बड़ी सफलता मिलने दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रहे, जो भी करें सोच समझ कर करें। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। पार्टनर की भावना को समझते हुए आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपके लिए संतोषजनक समय रहेगा। एक्स्ट्रा इनकम करने के योग भी बनेंगे। घरेलू जीवन के लिए समय काफी अच्छा रहने की संभावना बनती है। किसी मित्र के सहयोग से बिजनेस में आपको अच्छा लाभ होने की संभावना बन रही है। प्रेम जीवन के मामले में ये समय उन लोगों के लिए कुछ और खास रहने वाला है जिनकी मित्रता ने अभी अभी मित्रों संबंधों का रूप लिया है। सेहत में उतार चढ़ाव लगे रहने की संभावना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। नौकरी में आप जमकर मेहनत करेंगे। कुछ लोगों की नौकरी में बदलाव अथवा ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस में आपकी जबरदस्त उन्नति के लक्षण साफ दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं। करियर को लेकर नए प्रयास कर सकते हैं। आय और व्यय में उचित सामान्य बना रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छा ब्रेक मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। अति आत्मविश्वास के कारण काम बिगड़ सकते हैं। आज आप किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे। ये चिंता आपको दुखी करेगी। अचानक खर्च बढ़ने से काफी आपको आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। आप पेट में तकलीफ से परेशान रहेंगे। आज निवेश के लिए अच्छा दिन नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज आप शेयर बाजार से दूर रहें। आज निवेश करने से आपको निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए कुछ ही कम अनुकूलता लेकर आएगा। राशि का स्वामी छठे भाव में होने से और रोग उत्पत्ति की संभावना बनी रहेगी। और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपको पेट से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियां और पित्त प्रकृति के रोग होने की संभावना अधिक संभावना बन रही है। इसलिए आपको अपना भोजन संतुलित रखना चाहिए और अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए जिससे कि समय रहते इन पर अंकुश लगाया जा सके और बीमारियों को होने से पहले ही नियंत्रण में किया जा सके। तभी आप एक चुस्त दुरुस्त जीवन जी पाएंगे और अपने सभी कार्यों को सही समय पर सही तरीके से संपादित कर पाने में सफल होंगे। तो दोस्तों, ये था आय का कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आज मंगलवार है, बजरंगवली महाराज का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से बजरंगवली महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो बजरंगवली महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगवली महाराज जरूर लिखना। दोस्तों, रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये आय का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।